सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को बेचने की एक और कोशिश शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्रालय सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की बिक्री को लेकर नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा किए जा रहे तैयारियों में नए प्रस्ताव में कच्चे तेल की कीमतों और विनिमय दर में उतार चढ़ाव जैसे मुद्दों को शामिल किए जाने की भी संभावना है। दरअसल सरकार ने पिछले साल एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण के लिए बोलियां आमंत्रित की थी, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। इसके बाद विलय और अधिग्रहण को लेकर परामर्श देने वाली कंपनी ईवाईई ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें बिक्री प्रक्रिया के विफल रहने के कारणों का उल्लेख किया गया था। इन कारणों में सरकार की 24% हिस्सेदारी, अत्यधिक कर्ज, कच्चे तेल की कीमतों एवं विनिमय दर में उतार चढ़ाव, वृहद माहौल में बदलाव एवं अन्य कारणों को गिनाया गया था। मंत्रालय के प्रस्ताव को एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्प तंत्र के पास भेजा जाएगा। इसमें मंत्रालय एयर इंडिया में सरकार की 100% या 76% की हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रख सकती है। AIASAM मुख्य रूप से मंत्रियों का समूह है। अरुण जेटली एवं सुरेश प्रभु के नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने के कारण इसका पुनर्गठन का होगा। इन दोनों के स्थान पर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं हरदीप सिंह पुरी को शामिल किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि EYE की रिपोर्ट पर पिछले साल जून में AISAM की बैठक में चर्चा हुई थी। इसके बाद एयर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया को टाल दिया गया था। अधिकारी ने कहा, हम एयर इंडिया की बिक्री को लेकर नया प्रस्ताव AISAM के समक्ष रखेंगे। पिछले साल एयर इंडिया के विनिवेश के विफल रहने के बाद उठाए गए मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। AISAM को ये तय करना होगा कि सरकार 100% हिस्सेदारी की बिक्री करेगी या 76% की। ब्यूरो रिपोर्ट, BHPC न्यूज़।